हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हेमलता रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए सुबह सुबह कर लेते हैं काम। ये देखिए उजेला हो गया है। चलिए अब काम कर लेते हैं सुबह का। ये गमले हम लाए थे रायबरेली से, दो गमले। चलिए इन्हें मिट्टी भर देते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये देखिए आने अभी अभी लेटरिन करके आए हैं और कपड़े नहीं पहना है, सफाई कर दिया है लेकिन अभी कपड़े नहीं पहने हैं। चलिए इनको कपड़े पहना देती हूँ पहले। ये देखिए मिट्टी खेलने के लिए कितने खुश हैं, हाथों से मिट्टी ले लेके खेलने लगे हैं। ये हमने मिट्टी भर के गमले में लगा दिया है पौधा। इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे। इस तरफ ये वाले लगे हैं। दो गमलों में हमने लगाया है, एक इस तरफ खंभे के पास, एक उस तरफ, और ये छोटे वाले लगा दिए हैं। चलिए अब डाल देते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। चलिए कपड़े धो लेते हैं। गमले का काम हमारा खत्म हो गया है। चलिए कपड़े धोते हैं। कपड़े धुल के हमने फैला दिया है, देखिए। जो हमारे कपड़े शाम के थे वो हमने धुल के फैला दिया है। चलिए अब नहा लेते हैं, करते हैं आगे का काम। ये देखिए आज दोपहर में क्या किया जानवरों ने, बांस और तार गिरा के अंदर घुस गए हमारे धान के बेड़ में। देखिए कितने सारे धान चर गए हैं। बेड़ जो हमने बोई थी बीच में घुस के चर लिया है जानवरों ने। दोपहर में ये बांस तोड़ के घुस गए थे। चलिए इसको भी बांस ठीक से बांध देते हैं। इस तरह से जानवर बहुत नुकसान करते हैं खेतों में। जो बेल हमने बोई थी उसमें से देखिए कितनी सारी चर गई है। जो ये दिख रही है ये चरी हुई बेल है, वो हमने बाद में बोई थी। जो बाद में थोड़े से धान हमने बोया था वो बाद वाली बेड़ है जो तैयार है, और ये पहले वाली है। हरी हरी हो गई है इसलिए जानवर घुसने लगे हैं। चलिए फिर ठीक से बांस को गाड़ के बांध देते हैं। आज बहुत ज़्यादा जानवरों ने नुकसान कर दिया है। चलिए फिर इसको ये देखिए हमारे घर के पास मोर आई है, कितनी अच्छी। ये देखिए हमारे घर के सामने बिल्कुल है, खेतों में घूम रही थी ऊपर आ गई है घर के पास। ये देखिए उड़ गई, उड़ के वहाँ बैठ गई। देखिए जानवर कैसे इधर उधर घूम रहे हैं। यही जानवर बहुत परेशान करते हैं रात में भी और दिन में भी। जहाँ हरा खेत देखते हैं वहीं के लिए चले जाते हैं। खेतों से हम आ गए हैं। ये देखिए ये भी साथ में थे, तार बांध के आ गए हैं। हम नहाया है वहाँ से आने के बाद,
ये देखिए ये भी खेल कूद के नहाने जा रहे हैं, चलिए इनको नहला देते हैं। उर्वशी आम खा रही हैं। सारे काम करने के बाद हमने दोबारा से नहाया है, बाल भी धोए हैं, शाम को अभी 5 बज गया है। चलिए इनको सुखा लेती हूँ, कंघी से झाड़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिन में 2 बार नहाना पड़ता है। दूसरी बार हमने नहाया है, सुबह नहाया था और फिर अभी बाल धुल लिए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, खेतों में गए थे काम करने के लिए, इसलिए बहुत पसीना आ रहा था। हमने कहा सर से नहा लें, इसलिए बाल धो लिए हैं। चलिए फिर बालों को झाड़ लेते हैं। ये आन बाबू हमारे नहा के आ गए हैं। देखिए जीभ निकाल रहे हैं, गंदी बात, जीभ नहीं निकालना, जीभ ना निकालो बेटा। चलिए इनको तेल लगा देते हैं। चलिए अब बना लेते हैं चाय, क्योंकि नहाने के बाद चाय पीने का मन हो रहा था। चलिए चाय बना के पीते हैं फिर, क्योंकि थोड़ा सा काम कर लो उसके बाद नहा लो, तो फिर यही होता है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए तो अच्छा है। चलिए फिर बना लेते हैं चाय। चाय के लिए पानी हमने रख दिया है, डाल देते हैं चाय पत्ती। अब डाल देंगे चीनी, चीनी हमने अंदाज के डाल दिया है, चम्मच से नहीं डाला है। दूध हमने डाल दिया है, चलिए चाय को पकने देते हैं तब तक। ये हमने सुबह खाना बनाया था उसी के छींटे हैं। खाने में बनाया था कढ़ी, चावल, रोटी। कढ़ी जब पकती है तो हल्के हल्के से छींटे बाहर निकलते हैं, उसी के छींटे हैं ये। ये आन बाबू हमारे आ गए हैं गैस के पास, देखिए धीमी कर दिया है, इनको बहुत देखना पड़ता है क्योंकि ये तुरंत गैस के पास आ जाते हैं। ये देखिए ना, कम ना करो बच्चा, जलने दो, अपने आप काम शुरू कर देते हैं। कैसे लाइटर से जला रहे हैं, इनको बहुत हमको ताकना पड़ता है हर चीज़ से। चाय पक रही है, इस तरफ हमने चढ़ा दिया है पैन, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल मूंगफली के दाने कलहाने के लिए। ये देखिए मूंगफली के दाने जो हमने छीले थे वही हैं। चलिए इनको थोड़ा सा कलहा लेते हैं, तेल में पका के चाय के साथ बच्चों को देंगे। चाय के साथ बिस्किट नमकीन तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन हमने कहा आज चलो मूंगफली के दाने थोड़ा सा भून के खाएंगे। इनको तेल में भून लेंगे। मूंगफली हमारे घर की है, हमारे खेतों में होती है, जो अभी बोने का समय आने वाला है। देखिए कैसे दाने आवाज दे रहे हैं चिटक चिटक के। हल्की आंच पे इनको भून लिया है, देखिए लाल कलर के हो गए हैं। चलिए गैस को बंद कर देते हैं, ये हमारे दाने भुन गए हैं। देखिए जब तक हम दाने भून रहे थे ये क्या करके आए हैं, टंकी से चावल निकालना है और छिड़का दिया है यहाँ पे, अपने आप सारे काम बढ़ा देते हैं। हल्का सा नमक हमने डाल दिया है इसी में। हाँ इसमें देंगे, टूट जाओ, नहीं दे रहे।
कान हमारे अपने लिए देखे, इसमें ले रहे हैं दाने अपने ही मग में। चाय हमारी बन गई है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय और मूंगफली के दाने कैसे बनी है चलिए बताइएगा, खा के दानों के साथ चाय कैसी लगती है। देखिए नहा के आए हैं लेकिन चाय बनाने में ही कितना पसीना आ गया है। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय।